6 फरवरी दिन एतवार राहुल गांधी की लुधियाना फेरी ते राहुल वालों पंजाब कांग्रेस का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ऐलानन वाला सारा घटनाक्रम तो तुहानू याद होना है। पर सियासत नू लांबू उदों लगा जो राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी नू गरीबां दा नुमाइंदा कह दिता, जिस तो बाद गरीबी की परिभाषा ही बदल गई। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू होरां तो फिर रुकिया ना गया, गुस्सा पति नू सीएम फेस ना ऐलाने जाण दा वी सी ते मैडम सिद्धू कहिंदे बई चन्नी गरीब नहीं आ, साडे नालों वध जायदाद आ उहदे कोल, बेशक पता करा लो। भगवंत मान का गुस्सा भी फिर फुटिया, कहिंदे चन्नी नहीं गरीब भाई, उहदे कोल 170 करोड़ की जायदाद है, जे कोई गरीब है तो वह है पंजाब की जनता। इदा ही अकालिया समेत होरना नू भी गरीब मुख्यमंत्री वर्गे लफ्ज़ बोल के सियासत करन दा मौका मिलिया। पर अज असी तुहानू दसदे हां कि वोटां वेले गरीबड़े जे बन जाण वाले किहड़े लीडर ने चोण कमिशन कोल किन्नी जायदाद दसी हुई है। गल पहला उहदी करांगे जिहड़ा दुहाइयां दिंदा है ते कहिंदा बई मैं प्लाट वेचता, गरीबां नू कोविड दरमियान भोजन मुहैया करवाउंदा रिहा। जी मैं गल कर रही हूँ नवजोत सिंह सिद्धू की। चोण कमिशन दे कोल नामजदगी परचे नाल दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक वित्तीय साल 2020-21 के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की कुल सालाना आमदन 22,58,080 रुपए से, जबकि वित्तीय वरे 2019-20 के दौरान यह 17,99,220 रुपए से। सिद्धू ने साल 2018-19 के दौरान 2,39,47,660 रुपए की सालाना आमदन दिखाई सी। साल 2017-18 के दौरान 3,81,54,750 रुपए सी। 2016-17 की जो गल करिए सिद्धू की सालाना आमदन 9,41,87,400 रुपए सी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों ऐलानी गई जायदाद की कुल कीमत 44,63,00,000 रुपए आ। 2017-45,99,00,000 सी। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू की भी गल करते हैं। डॉक्टर सिद्धू की 2020-21 के दौरान आमदन 26,56,272 रुपए सी, जबकि 2019-20 के दौरान उन्होंने आमदन 45,47,100 रुपए सी। साल 2018-19 दौरान नवजोत कौर सिद्धू की आमदन 39,55,670 रुपए सी, जबकि 2017-18 उन्होंने 19,87,330 रुपए अपनी आमदन लिखवाई। 2016-17 दौरान नवजोत कौर सिद्धू ने 19,10,820 रुपए आमदन की रिटर्न भरी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जे देखिए तो चोण कमिशन को दाखिल किए हलफनामे दे विच चन्नी ने वित्तीय वरे 2020-21 की सालाना आमदन 27,84,820 रुपए दिखाई है। साल 2019-20 के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी की सालाना आमदन 27,64,820 रुपए सी। वित्तीय वरे 2018-19 दौरान ये आमदन 51,81,010 रुपए सी। साल 2017-18 दौरान चन्नी ने 59,22,450 रुपए अपनी आमदन दिखाई। 2016-17 दौरान ये आमदन 41,42,280 रुपए सी। चन्नी के हलफनामे के मुताबिक 2015-16 चन्नी की सालाना आमदन 1,47,20,510 रुपए सी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कुल जायदाद भी कई करोड़ रुपए घटगी जापती है। जिथे 2017-14,05,00,000 सी, उथे 2022-23 9,44,00,000 के लगभग है। श्रोमणी अकाली दल वाल भी चलते हैं तो सुखबीर सिंह बादल की गल करिए, उन्होंने चोण कमिशन के कोल दाखिल किए हलफनामे दे विच अपनी जायदाद वित्तीय वरे 2020-21 की सालाना आमदन 2,14,60,110 दिखाई है, जिस विच 8,68,317 खेती आमदन है। हालांकि 2019-20 के दौरान सुखबीर सिंह बादल की सालाना आमदन 2,80,45,520 रुपए सी। वित्तीय वरे 2018-19 की जो गल करिए आमदन 2,56,95,810 रुपए सी। साल 2017-18 की जो गल करिए सुखबीर सिंह बादल ने
2,17,54,600 रुपए आमदन दिखाई सी। 2016-17 दौरान ये आमदन 2,17,11,510 रुपए सी। दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल इन्हां विधानसभा चोणां दे विच दूसरे सब तो वड्डे अमीर उम्मीदवार ने। सुखबीर सिंह बादल ते उन्हां दी पत्नी हरसिमरत कौर बादल वल्लों अपनी चल अचल जायदाद 122.77 करोड़ ऐलानी गई है। इस विच 51.21 करोड़ उन्हां दे अपने अते 71.56 करोड़ पत्नी हरसिमरत कौर बादल दे ने। गल भगवंत मान दी वी करांगे। चोण कमिशन दे कोल दाखल कीते हलफनामे दे विच भगवंत मान ने वित्ती वरे 2020-21 दी सालाना आमदन 18,34,350 शो कीती है, पर साल 2019-20 दे दौरान भगवंत मान दी सालाना आमदन 27,17,750 रुपए सी। वित्तीय वरे 2018-19 दे दौरान ए आमदन 25,93,670 रुपए सी। साल 2017-18 दी जे गल करिए तां भगवंत मान ने 14,70,520 रुपए आमदन दिखाई। 2016-17 दौरान ए आमदन 15,99,640 रुपए सी। ध्यान देने वाली गल इत्थे यह है कि आम आदमी पार्टी दे मुख्यमंत्री दे चेहरे भगवंत मान दी जायदाद भी पिछले 5 सालां दे विच घटदी हुई नज़र आ रही है। 2022 दे विच ए 1.97 करोड़ है, जबकि 2017 दे विच 1.99 करोड़ सी। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं असीं किवें भुल सकते हैं। चोण कमिशन नूं बिक्रम सिंह मजीठिया ने वित्तीय वरे 2020-21 दी सालाना आमदन सिर्फ 6,04,127 दिखाई है, जबकि साल 2019-20 दे दौरान बिक्रम मजीठिया दी सालाना आमदन 5,48,509 रुपए सी। वित्तीय वरे 2018-19 दे दौरान ये आमदन 7,48,370 रुपए सी। साल 2017-18 की जो गल करिए मजीठिया ने 8,58,150 रुपए आमदन दिखाई सी। चोण कमिशन नू 2016-17 दे दौरान ये आमदन 41,08,820 रुपए सी। बिक्रम सिंह मजीठिया के नामजदगी के परचे मुताबक उन्हां कोल तकरीबन 12 करोड़ की चल अचल जायदाद है। इस दे विच उन्हां दी पत्नी गनीव कौर की जायदाद भी शामिल है। इस विच लगभग 3 करोड़ की चल जायदाद उन्हां दी है, 3.5 करोड़ की चल अचल जायदाद उन्हां दी पत्नी की है। उन्हां दी अते उन्हां दी पत्नी की अचल जायदाद की बाजार विच कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए है। बिक्रम मजीठिया वालों दिते वेरवे के मुताबिक उन्हां उपर बैंक ते होर फाइनैंस कंपनिया के लगभग 66,00,000 रुपए बकाया ने। हुण सोचण विचारण वालियां गल्लां इत्थे बड़ियां ने। इन्हां चों कौन अमीर है, कौन गरीब है, लोगों को कोई फर्क नहीं पैंदा। सब नूं पता है कि किन्ना कुछ छिपा के अपनियां जायदादां अते पैसा धेला ये दस रहे ने। सियासी आगुआं विचाले कौन अमीर कौन गरीब की छिड़ी चर्चा नूं समाजिक विज्ञानी बेतुकी अते लोकां नूं मूर्ख बनाउण वाली मानदे ने। सोचना तां यह भी बनता है कि जिन्हों गरीब मुख्यमंत्री दस रहे ने वह भला 15 साल लगातार विधायक रह के गरीब कादा रह गया। हुण गरीबी दे नां ते मार्केटिंग चल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्गी मार्केटिंग है जो खुद नूं चाह वेचण वाला दसदे ने, जबकि वह उस तो पहला 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह के आए सन। इस दे उल्ट सही मायनिया दे विच साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत गरीब परिवार तो पाकिस्तान तो उजड़ के आए सन, पर उन्होंने इस गल की कदे भी मार्केटिंग नहीं की। देखण वाली गल हुण बस ये है कि 5 राज्यां समेत पंजाब च भी वोटा ने, ते पंजाब दी दुर्दशा कौन ठीक कर सकता है, ये सवाल सब तो वड्डा है। सवाल ये भी है कि इन्हां गरीबड़े जे आगुआं दे कोल चोणां लड़न लई करोड़ां रुपए दा बजट कित्थों आउंदा है, क्योंकि इन्हां दे हलफनामियां दी आमदन दे वेरवे चोणां दे खर्चियां दे नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदे। एक सूत्र के मुताबिक सूबे दे विच एक विधायक नूं 84,000 रुपए महीना तनखाह मिलती है। इस विच बिजली टैलीफोन अते होर पत्ते भी शामिल हुंदे ने। पंजाब दे विच 1980 दे खाड़कूवाद दे दौर तो बाद सूबे दे विच हरेक विधायक दे 4 गनमैना लई एक गड्डी मिलती है।
ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ।